अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान फ्रॉम विरासत.com। आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खां के हवाले से। कल आपने हमारी यूट्यूब की वीडियो और स्टोरीज़ और उसके ऊपर पोस्ट देखी होगी, और फिर आपने फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट देखी, और आपने स्टोरी और आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी और पोस्ट देखी होगी कि हमने एक ही बात की कल तमाम चैनल्स के ऊपर कि कुछ बिग अनाउंसमेंट्स जो हैं वो न्यू मेट्रो सिटी के तरफ से होने जा रही हैं, और जिसका हम भी इंतज़ार कर रहे थे, और डेफिनेटली हमने अपने कस्टमर्स को भी बताया, तो कस्टमर्स भी हमारे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो अभी लॉन्चिंग से पहले जो है वो सोसाइटी अपने कस्टमर्स को देने जा रही है। जी बिल्कुल, स्टोरी सिर्फ आज एक ही है, वो है न्यू मेट्रो सिटी की। वो अनाउंसमेंट क्या है जी? देखें, बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने तो वैसे 4 से 5 साल के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ में काम किया है और बहुत सारे कस्टमर्स को अपने साथ अटैच किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लॉन्चिंग से पहले जो है मार्केट में इतनी हाइप क्रिएट हो और लोग 10-10, 5-5 प्लॉट्स लेने आएँ और हम उनको बाकायदा तौर पर कहें कि सर आप 10 प्लॉट नहीं लेंगे, आप सिर्फ 2 प्लॉट हमसे ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक लिमिटेड सी इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे अपने कस्टमर्स को एंगेज करना है और उनको अपडेट करना है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर हमने देखा कि आज तक की सिचुएशन के मुताबिक लास्ट 5 डेज़ के अंदर जो है बाकायदा तौर पर जो कस्टमर्स का रुझान है इस तरफ, वो एक बेयकीन यानी कि ऐसी कैफियत पैदा हो रही है कि यार ये लम्हात मैंने आज तक अपनी यानी कि ना मार्केटिंग लाइफ के अंदर नहीं देखे कि यार एक प्रोजेक्ट को लेने के लिए, उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए लोग किस तरह जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं, और लोग ट्रस्ट करते हैं इनके सीईओ के ऊपर, मलक बिलाल बशीर के ऊपर, और क्योंकि इनकी एक मार्केट के अंदर अपनी एक रेपुटेशन है, जिस तरह उन्होंने कम टाइम के अंदर मार्केट में एक नया रुझान लेकर आए और उसके साथ लोग नए लोगों को अटैच किया अपने साथ, वो लोग जो बैरियर टाउन के साथ अटैच थे, बजाय इसके कि वो उनको यूटिलाइज़ करते हैं, उनको साथ लेके चलते, नहीं, इन्होंने अपनी एक मार्केट क्रिएट की। ग्वादर गोल्फ सिटी से चले, पंजाब में आए, पंजाब में न्यू मेट्रो सिटी खारिया के हवाले से अपडेट किया, और वहाँ पर का यानी कि ना 3 साल के अंदर जो इन्होंने वहाँ पर काम किया है कि इस टाइम वहाँ पर कल अनाउंसमेंट के अंदर मैं सुन रहा था कि 55 किलोमीटर तक की अंदर जो सड़कें हैं वो बन चुकी हैं, और अब यानी कि ना न्यू मेट्रो सिटी गुजर खां के हवाले से वो अपने टारगेट्स सेट कर चुके हैं, और उसकी अनाउंसमेंट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अनाउंसमेंट की तरफ आपको ले कर चलूँगा। अनाउंसमेंट ये है कि अगर कोई यानी कि ना कस्टमर 19 अगस्त तक अपने आप को रजिस्टर करवाता है फाइल के साथ, कोई फाइल परचेज़ करता है, उसको वो जमा करवाता है, तो उसके जमा करवाने के बाद सोसाइटी 20 अगस्त को एक अर्ली यानी कि बेल्टिंग करने जा रही है, अर्ली बर्ड बेल्टिंग करने जा रही है, जिसमें सोसाइटी ब्लॉक ए के यानी बेल्टिंग करके लोगों को प्लॉट मुहैया करेगी। जो जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खां के क्लाइंट्स, आप सबके क्लाइंट्स 19th ऑफ अगस्त तक अपनी फाइल्स सबमिट करवाएंगे, 20th अगस्त को अर्ली बर्ड बैलेट होगा, और अर्ली बर्ड बैलेट के अंदर बजरिया बैलेटिंग ए ब्लॉक के अंदर कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगी उनको। तो ये वो अनाउंसमेंट है कि जिसने मार्केट के अंदर जो मजीद लोग इधर उधर जा रहे थे सोसाइटीज़ की तरफ, उनका रुझान भी अपनी तरफ ग्रैब कर लिया है। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं अगेन, हम तो खुद देख रहे हैं कि मार्केट में अभी आए हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, और रेट्स को अनाउंसमेंट मार्केट में किए हुए 10 दिन हुए हैं, और बाकायदा तौर पर अभी फाइल का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जिस तरह हमने अपने कस्टमर को बताया हुआ है कि 17 से लेकर 20 के बाद के दरमियान हम आपको यानी कि ना फाइल्स की रिसीविंग देंगे, उसके बाद फिर फाइल्स आनी है। लेकिन उससे पहले ऐसी अनाउंसमेंट करना और उसके बाद कस्टमर का रुझान होना, ये अपनी मिसाल इंशाल्लाह अपना यानी कि अपनी मिसाल आप एक ये प्रोजेक्ट होगा जिसका कोई सानी नहीं मार्केट में आपको नज़र आएगा। और इंशाल्लाह विरासत.com डे 1 से
न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के साथ अटैच हो चुकी है और इंशाल्लाह इस सफ़र के में हम यानी कि ना न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के साथ होंगे और इंशाल्लाह आपको दर यानी कि ना हर वक्त यानी कि ना आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट करते रहेंगे, क्या उसमें चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, क्या नेगेटिव हो रही हैं। डेफिनेटली जब लोग इतने बड़े पैमाने पर बात काम कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन अभी जो मार्केट में सिचुएशन है वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं हर तरफ। और मार्केट में कहीं भी ऐसे वो पॉइंट उन्होंने वीक पॉइंट नहीं रखा जिससे मार्केट में उनके कोई नेगेटिव पिक्चर शो हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये आने वाले टाइम में कस्टमर्स को बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर बेनिफिट देने जा रही है। तो ये अनाउंसमेंट जी आपको तक पहुँच चुकी है विरासत.com के प्लेटफॉर्म से, और विरासत.com के प्लेटफॉर्म से आप बुकिंग्स करवा कर इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगेन स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, हमारे वही नंबर हमारा व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, हमारे आप यानी कि ना इसी यानी कि ना वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं कोई अगर मज़ीद आपके सवाल हैं ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका जवाब दें और सब की रहनुमाई हो। देखें जी, जब आप किसी के आप पर्सनल सवाल करते हैं तो बजाय इसके कि आप पर्सनल सवाल करें आप कमेंट्स के अंदर लिखा करें ताकि सबको उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आंसर मिलता है तो सबकी रहनुमाई होती है और सबको उसका बेनिफिट मिलता है। अगेन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इस अनाउंसमेंट के लिए इस पर यानी कि ना मज़ीद कोई भी आपको ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा कर रही है तो उसके लिए हमसे रابطہ लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।